नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भाजपा नेता और वकील के बीच मारपीट का मामला, पुलिस जांच में दोनों पक्षों पर दर्ज मामला। जबलपुर में हुआ भाजपा नेताओं और वकील के बीच मारपीट का मामला। यह घटना ओमती थाना के अम्बेडकर चौक के पास घटित हुई थी। इस मामले में हुए घातक झड़प की वीडियो भी सामने आया है। मामले के अनुसार दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिलते ही वे मौके पर पहुंची। पुलिस के सामने ही भाजपा नेता और उसके साथी वकील को पीटते रहे थे। पुलिस ने घटना को देखकर तुरंत दोनों पक्षों को अलग किया और मामले की जांच शुरू की। दरअसल देर रात को ओमती थाने में रहने वाले वकील आशुतोष गुप्ता अपने दोस्त दिव्यांश यादव और विकास चतुर्वेदी के साथ अम्बेडकर चौक के पास खड़े थे। इसी समय वहां पर भाजपा नेता मिर्जा ओवेस और उसके साथी पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच किसी विवाद की शुरुआत हो गई और इसके बाद एक हाथापाई का आरंभ हुआ। पुलिस टीम, जिसमें लगभग 6 से 7 जवान थे, तब हालात को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन भाजपा नेता और उसके साथी बिना किसी भी भय के आशुतोष को गाड़ी से निकालकर मारपीट करते रहे थे। पुलिस की कोशिशों के बावजूद घटना के दौरान उनकी बेबसी नजर आई। ओमती थाना के प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था और उसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यह घटना जबलपुर में हुई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी जांच तेजी से चल रही है। वकील आशुतोष और उसके साथियों की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले की वीडियो सामाजिक मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इस घटना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिससे मामले के और भी गहरे आयाम सामने आ सकते हैं। इस समय पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, ताकि इस मामले के दोषी अवश्य ही सजा पा सके और यह संदेश भी जाए कि किसी भी तरह की हिंसा और अवरोधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।